हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली, वो भी सिर्फ एक डोनट बन की मदद से। तो कैसे करना है सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत ही स्टाइलिश है, वेडिंग में आप इसको ट्राई कर सकते हो। लो बन बनाना है ब्राइडल के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा, और आप सिंपल साड़ी वाड़ी पहन रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा लुक चाहिए तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी एंड लेटेस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी वहाँ पे। एंड जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ जिससे मेरी स्किन ग्लो करती है, या फिर लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, सब कुछ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको अगर लैक्मे का काजल जो है, पहले जो हम लोग लेते थे लैक्मे का काजल, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले जो हम लोग लैक्मे का काजल यूज़ करते थे, उसमें क्या होता था कि काजल बहुत ही ज़्यादा लाइट रहता था, अच्छे से लगता नहीं था। लेकिन आजकल का जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक रहता है और वाटरप्रूफ भी है। वाटरप्रूफ में अगर अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आपको क्या करना है, पहले मैं लगा के दिखाती हूँ कितना डार्क है ये। आप देख सकते हो एक बार ही ऐसे करने से बहुत अच्छा कलर आ जा रहा है इसका। पहले हम लोग लैक्मे का काजल लेते थे, लैक्मे आइकॉनिक का, तो लगाते टाइम वो बहुत हल्का सा लगता था, लेकिन अभी इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है इसका। और आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लैक्मे के काजल का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा काजल है, वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है, 24 घंटे तक ऐसे ही रह जाता है। तो ये तो होगी काजल की बात, चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड है और आप जाके वहाँ से ईजिली बाय कर सकते हो। तो हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले साड़ी के लिए बता रही हूँ, बहुत बेस्ट रहेगा। ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है, ईयर तरीके से। ओके, यहाँ पे मैं इसको क्लिप से सिक्योर कर दे रही हूँ ताकि हमको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। इसी तरीके से सेम दूसरी साइड से भी करना है। ओके, अब बाकी सारे बालों को एक साथ कॉम करेंगे। कॉम करके आपको एक रबड़ बैंड लगा लेना है यहाँ पे। इसके बाद आपको लेना है डोनट बन। पहले आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा हेयर खींच लेंगे, जबकि ताकि हमारा क्राउन एरिया जो है वो बहुत फ्लैट ना लगे। उसके बाद से डोनट बन को ऐसे लगा देंगे। डोनट बन को लगाने के बाद से एक यू पिन से इसको सेट कर लेंगे और इस तरीके से फैलाएंगे बालों को डोनट बन के चारों तरफ से। ओके, अब एक पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे। और बिल्कुल आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, रबड़ बैंड को लगा देंगे और डोनट बन को अच्छे से हाइड कर लेंगे। ओके, अब जो हमने यूपिन पहले लगाया था उसको निकाल लेंगे। खुद से हेयर स्टाइल बनाने में थोड़ा बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब सिंपली इसको इस तरीके से करेंगे और यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल बनने वाला है यहाँ पे हमारा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जिसके भी बाल पतले हल्के छोटे हैं वो इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकता है। आप चाहो तो सिंपली ये वाला भी बना सकते हो, ये चीज़ नहीं निकाले हुए, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वेडिंग लुक देना है तो इसके लिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। बैक से कुछ ऐसा आएगा। अब आपको फ्रंट से सिंपली
इस तरीके से लेयर को लेना है एंड ट्विस्टिंग करनी है। ट्विस्टिंग करके हल्का हल्का सा खींचना है। ओके और यहाँ पे जहाँ पे हमने डोनट बन लगाया है वहीं पे इसको सिक्योर कर देंगे यूपिन की मदद से। अब सेम इसी तरीके से सेकंड लेयर लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, हल्का हल्का सा खींच लेंगे इसको। अगेन सेकंड यूपिन लेंगे और छोटे माथे के लिए बहुत बेस्ट रहेगा ये वाला हेयर स्टाइल। अगर आपका फोरहेड बहुत छोटा है और आप कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो ये वाला हेयर स्टाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से पूरा लगाते जाएंगे यूपिन को। अब ये जो हेयर थे इनको सिंपली डोनट बन के चारों तरफ से लपेटेंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ओके जैसे हमने इस साइड में किया है वैसे ही सेम इसको आप कर्ल कर लोगे, इस साइड भी बनाना है। थोड़ा थोड़ा इसको खींचते जाएंगे। और यूपिन से सिक्योर करते जाएंगे। ओके तो पूरा बनाने के बाद दिखाती हूँ, जैसे इधर हमने किया है वैसे ही इधर भी करना है। तो इस तरीके से हमने इस साइड भी बना लिया है। अब जो इस साइड के हेयर हैं इनको भी सिंपली पीछे की तरफ से लेके जाएंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। और ये ब्यूटीफुल सा बन हमारा बनके रेडी हो गया है, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा।
तो अगर आप कोई वेडिंग के लिए अच्छा सा हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ओके, और इसको हम लोग कर्ली कर लेते हैं, तो कर्ली करके दिखाते हैं। तो ये हमने गरम कर लिया है, और इस तरीके से कभी भी जब हम लोग स्ट्रेट करते हैं तो ऐसे ऊपर की तरफ से लेके जाना चाहिए। हम लोग कभी क्या करते हैं, ऐसे हम लोग कर्ल करने लगते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप कभी भी कर्ल कर रहे हो बालों को तो ऐसे ऊपर की तरफ से लेके जाइए बालों को, और ऐसे करके कर्ली करना है। ओके, तो इसको निकाल देना है, तो कुछ इस तरीके से कर्ली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कर्ल करना है तो पतला वाला कर्लर यूज कर लीजिएगा। ऐसे ऊपर की तरफ से लेके जाना है, और ऐसे नीचे की तरफ से कर्लर को रखना है। मुझे बहुत ज़्यादा कर्ली पसंद नहीं है तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। थोड़ी देर रखेंगे, 10 सेकंड से 15 सेकंड तक, और इसको छोड़ देंगे। और ये बहुत इजीली हमारा कर्ल हो गया है दोनों साइड से। एक बार और इसको कर लेते हैं। वाह, तो ये था आज का सिंपल क्विक वेडिंग बन हेयर स्टाइल। बहुत आसानी से आप खुद से बना लोगे, सबसे अच्छी बात है कि खुद से बन जा रहा है। इसके साथ आप गजरा वगैरह अटैच कर सकते हो, जिससे कि आपका जो वेडिंग लुक है और भी अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये है हमारे पास गजरा है, तो इसको इस तरीके से लगा के अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो, अपने हेयर स्टाइल को। और थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए जो सेंटर में जगह बची है वहाँ पे आप इस तरीके का यू पिन अटैच कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इस तरीके की हेल्पफुल हेयर स्टाइल की वीडियोस देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है उस पर जाके आप क्लिक करिएगा, और बहुत ही आसानी से मेरे लेटेस्ट वीडियोज एंड प्रोडक्ट पे आप जाके प्रोडक्ट वहाँ से बाय कर सकते हो। सेकंड चैनल का नाम प्रीति बाई टू है, तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। वहाँ पे मेरी ब्लॉग वीडियो डे बाई डे अपडेट होते रहती हैं, एंड मेरा इंस्टा आईडी प्रीति बाई 24 है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।